तो गाइस अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंजॉय द वीडियो। हम देखते हैं कि क्योगा को अकुमो सब कुछ बता देता है। क्योगा ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे अकुमो की बातों पर यकीन नहीं होता, और जब उसे पता चलता है कि क्योगा और कोड़ा किंग अहोरा के बेटे हैं तो वो शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुम भला क्या कह रहे हो, मैं और कोड़ा किंग अहोरा के बेटे हैं? इस पे अकुमो कहता है, हाँ इसलिए तुम दोनों इतने अलग हो। इसके बाद क्योगा कहता है, कोड़ा को आखिर क्या हुआ है? इस पे अकुमो कहता है, मैं उस चीज के बारे में तुम्हें समझा नहीं सकता, लेकिन बस इतना जान लो कि अब आने वाली मुसीबत को रोकना बहुत ही मुश्किल है। ये कहने के बाद अकुमो वहां से तुरंत चला जाता है, और क्योगा मन ही मन सोचता रहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या मैं वाकई में। उधर हम गोरोशी को देखते हैं जो कि पहले गेट के पास खड़ा होता है, और तभी हम देखते हैं कि उसे कुछ महसूस होता है और वो कहता है, यहां पर कोई आ रहा है। हम देखते हैं कि गोरोशी पे कोई सामने से हमला करता है, लेकिन गोरोशी उसे डॉच कर लेता है, और हम देखते हैं कि उसके सामने कोई शख्स होता है। इस पे गोरोशी कहता है, क्या आखिर कौन हो तुम? इस पे वो शख्स कहता है, मुझे पता था कि यहां पर कोई ना कोई जरूर होगा, लेकिन तुम जैसा कोई मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इस पे गोरोशी कहता है, ये तो मैं तो इस रेस को जानता हूं, तुम तो फ्रॉस्ट डीमन की रेस से हो। हम देखते हैं कि वो शख्स बिल्कुल फ्रीजा जैसा दिख रहा था। इस पे गोरोशी उससे पूछता है, तो लगता है तुम्हें भी शायद यहां पर उन दोनों में से किसी ने भेजा होगा। इस पे वो शख्स कहता है, ओ अच्छा, तो तुम इस बारे में जानते हो कि मुझे लॉर्ड समारा ने यहां पर भेजा है। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम सब ने पूरी तैयारी कर रखी होगी, लेकिन मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूं। इस पे गोरोशी कहता है, लेकिन तुम गलत जगह पे आ गए हो, क्योंकि मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। इस पे वो शख्स कहता है, ओ ऐसा क्या, तो मैं इतनी ताकत है भी सैयन, तुम इस यूनिवर्स के सबसे ताकत रेस के किंग के सामने खड़े हो, तुम वाकई में मेरे सामने टिक पाओगे? इस पे गोरोशी कहता है, मैं ये तो समझ चुका हूं कि ये फ्रॉस्ट डीमन की रेस से है, लेकिन बाकी सभी फ्रॉस्ट डीमन से ये थोड़ा सा अलग क्यों लग रहा है? इस पे वो शख्स कहता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहां पर तुम अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो, मैं तुम्हें अपना परिचय देना तो भूल ही गया, मेरा नाम कजार है, और तुम्हारा नाम क्या है? इस पे गुरुशी कहता है, ये भला इतनी अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है? इस पे कजार कहता है, क्या बात है, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहते? खैर कोई बात नहीं, लगता है मुझे बिना तुम्हारा नाम जाने ही तुम्हें मारना पड़ेगा। इस पे गोरोशी कहता है, मेरा नाम गोरोशी है, और मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। इस पे कजार कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला हूं? ये कहने के बाद कजार गोरोशी पे अपना हमला करता है, लेकिन गोरोशी उसे डॉच नहीं करता, और उसके हमले को वो इजीली रोक लेता है, और वो मन ही मन सोचता है, ये आखिर कर क्या रहा है, इतना कमजोर हमला, लेकिन कैसे, मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। कजार उसे ऐसा करता देखकर कुछ भी नहीं कहता। तभी हम देखते हैं कि गोरोशी अचानक से कजार पे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कजार तक गोरोशी पहुंच नहीं पाता और वो काफी स्लो हो जाता है। इस पे गोरोशी कहता है, क्या ये भला क्या हुआ, मैं इतना स्लो कैसे हो गया? गोरोशी ये कहने के बाद अचानक से नीचे गिर जाता है। इस पे कजार हंसने लगता है और कहता है, क्या हुआ सैयन,
तुम तो अभी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम इतनी जल्दी कमजोर पड़ गए, मैंने तो ये नहीं सोचा था। चलो उठो भी, इस पे गोरोशी मन ही मन सोचता है, आखिर ये कैसे हुआ, मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि गोरोशी किसी तरीके से खुद को खड़ा करता है और उसे देखकर कजार कहता है, क्या बात है, ये सैयन उठ गया, मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी, यानी कि ये सैयन ताकतवर है, मुझे ये वाकई में पसंद आया। हे गोरोशी, मुझे तुम्हारी ये ताकत पसंद आई, मैं किंग कजार तुम्हें ये प्रस्ताव देता हूँ, क्या तुम मेरे सेनापति बनना चाहोगे, बोलो क्या तुम्हें ये सुनहरा प्रस्ताव मंजूर है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बोलो क्या बोलते हो। इस पे गोरोशी कहता है, मैं तुम जैसे शैतान के लिए कुछ नहीं करने वाला, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही सजा है, मौत। इस पे कजार कहता है, गोरोशी तुम तो बुरा मान गए, तुम समझे नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ जीने का एक मौका दे रहा था, बस और कुछ नहीं, क्यों बेकार में मेरे हाथों से मरना चाहते हो। इस पे गोरोशी कहता है, मैं कमजोर तो थोड़ा पड़ गया हूं, लेकिन मैं खुद को ठीक कर लूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि गोरोशी कजार पे अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कजार उसके हमले को बहुत ही इजीली डॉच कर लेता है और उससे कहता है, लगता है शायद तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम मुझसे मरना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कजार गोरोशी पे एक जोरदार हमला करता है, गोरोशी उसे रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कजार अपने कई सारे अटैक को उस पे करने लगता है, गोरोशी अभी भी काफी कमजोर था और वो कुछ नहीं कर पाता और लगातार कजार से पिटता जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद कजार कहता है, तो वाकई में बहुत जिद्दी हो और यही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। ये कहने के बाद कजार गोरोशी पे एक की ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। इस पे कजार कहता है, वाह क्या बात है, मुझे सच में ये नहीं पता था। हम देखते हैं कि कजार के सामने गोरोशी खड़ा होता है और उसने खुद को बिल्कुल ठीक कर लिया था। इस पे कजार कहता है, तुमने खुद को ठीक कर लिया, लेकिन कैसे, अगर तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो वो कब कब मेरे जहर से दम तोड़ देता, लेकिन तुम बच गए, ये काबिले तारीफ है। इस पे गोरोशी कहता है, तो ये इसके जहर का असर था, फ्रॉस्ट डीमन ये भी कर सकते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इस पे कजार कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं फ्रॉस्ट डीमन का किंग हूं, समझे, और ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। इस पे गोरोशी कहता है, मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि रकुमा के साथ फाइट कर रहा था और गोकू उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। इस पे वीष कहता है, गोकू ने सच में अपनी ताकत को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया है, क्योंकि रकुमा का मुकाबला इस फॉर्म में करना बहुत ही मुश्किल है। इस पे वेजिटा मन ही मन कहता है, क्या, लेकिन कैसे, कैकरोट आखिर बार बार मुझसे एक कदम आगे कैसे निकल जाता है, मैं अपने सेलेस्टियल फॉर्म में भी उसे कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कैकरोट वो तो अपने ओमनी फॉर्म में ही उससे फाइट कर रहा है, आखिर भला वो कैसे कर पा रहा है। इस पे गोहान भी कहता है, डैड वाकई में कमाल की है, मुझे पूरी उम्मीद है डैड उसे शायद हरा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रकुमा उससे कहता है, क्या बात है, मैंने पहले ऐसे सैयन को देखा है जो कि ओमनी किंग के फॉर्म में इतना ताकतवर है। इस पे गोकू कहता है, अभी तुमने असली ताकत देखी कहां है,
ये कहने के बाद गोकू उस पे एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि रकुमा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें आगामी को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उसी जगह पे होता है, और उसके सामने अब कोई भी नहीं होता सिवाय बीरस के। इस पे वो कहता है, लगता है आखिर में सिर्फ तुम ही बचे हो। बीरस उसे देख के काफी डर जाता है और कहता है, नहीं, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो बेवकूफ अकुमो उन दोनों सैयन को भी लेकर चला गया। मैं तो इसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। तभी आगामी बीरस को देखकर कहता है, वैसे सच बताऊं, मुझे तुम्हें मारने के लिए वक्त बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। जैसे ही ये बात आगामी कहता है, हम देखते हैं कि वहां पर सभी लेजेंडरी साइंस अचानक से आ जाते हैं। आगामी उन सभी को देखकर कहता है, क्या बात है, और ढेर सारे सैयन, लेकिन तुम कितने भी क्यों ना आ जाओ, उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। पता नहीं वो बेवकूफ उसे लेकर कहां चला गया। अगर वो बेवकूफ मुझे कहीं मिल गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे फूला हुआ गुब्बारा कहा कैसे? इस पे गोमा कहता है, आखिर ये सब क्या बकवास कर रहा है? इस पे बीरस कहता है, तुम सभी लोग अभी अभी आए हो, लेकिन तुम सबके आने से पहले कोड़ा उससे फाइट कर रहा था, लेकिन तभी वो अकुमो आया और उसने शायद कोड़ा को मार दिया और क्योगा को अपने साथ लेकर चला गया। गोमा ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम भला ये क्या बकवास कर रहे हो? लॉर्ड अकुमो ऐसा कभी नहीं कर सकते, समझे बेवकूफ। इस पे बीरस कहता है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। अकुमो के हमला करने के बाद कोड़ा खत्म हो गया था। इस पे गोमा कहता है, मैं अच्छे से जानता हूं ये नामुमकिन है, जरूर इसके पीछे कोई और वजह होगी। इस पे आगामी कहता है, तुम सब मुझे यहां पर रोकने के लिए आए हो, लेकिन सच बताऊं, मैं तुम सभी सैयन के ड्रामे से तंग आ चुका हूं, और मैं तुम सबको अभी एक ही बार में खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद बीरस कहता है, अब हमारी मौत तय है। इस पे सेनको कहता है, हे गोमा, मैं इस बेवकूफ गॉड की बातों को सुनकर तंग आ चुका हूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इसे मार दूं क्या? इस पे बीरस कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम मुझे यहां पर बचाने आए हो या मारने? इस पे गोमा कहता है, सेनको तैयार हो जाओ, वो हम पर हमला करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि आगामी अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाता है और उन सभी पे एक की ब्लास्ट कर देता है। तभी गोमा कहता है, नहीं, हम में से कोई भी इसके हमले को रोक नहीं सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस पे सेनको कहता है, क्या, लेकिन। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उन सभी लेजेंडरी साइंस को कुछ भी नहीं हुआ था। इस पे सेनको कहता है, क्या, लेकिन आखिर ये कैसे हुआ? इस पे गोमा कहता है, सेनको सामने देखो। और हम देखते हैं कि आगामी के हमले को एक शख्स ने रोक दिया था, और वो और कोई नहीं बल्कि 13वां लेजेंडरी साइयन ब्रोली था। सो हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आजकल सब्सक्राइबर बहुत ही धीरे पड़ रहे हैं हमारे। तो भाई को सपोर्ट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।